बाबा का वो महावाक्य याद दिला दूं, फायदा उठाएंगे सभी उसका। जब भी मुश्किलात आए, क्या कहना? माताएं कहती नहीं है, इधर वाली तो कहती नहीं, बोलो पीछे वाले, मेरे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, मदद करो। जैसे अपनों को कहा जाता है ना अधिकार से, भक्तों की तरह नहीं, हे भगवान मदद करो, बहुत दुखी हूँ, ये नहीं, आओ मदद करो, तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो चौथी लाइन क्या बोली, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो क्या कहे इससे ज़्यादा, सोच लो, भगवान खुद कह रहा है मुझे बुलाओ मदद करूँगा, बंधा हुआ हूँ, बच्चे हैं ना, हमारे लिए ही तो आया है, मदद करने ही तो आया है, मदद ले लो। जो मदद लेना जान गए, अनेक बातें जीवन की खत्म हो गई, लो मदद उसकी। जब मदद देने वाला मदद दे रहा है तो लेने वाले क्यों नहीं लेते। बाबा ने बहुत लवली बात कही, बाबा देखता है बच्चे मदद लेने के लिए दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं, हजार भुजा वाले के पास नहीं आते। उसे भी तो लगता होगा, परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कोई नहीं सुन रहा है, मेरे पास नहीं आते जो सुनता है। बाबा ने पीछे मुरली में कितनी स्वीट बात कही थी, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। बहुत प्यार करता है बाबा, लेकिन हम क्या कहेंगे, ये तो बाबा ने कहा था, हम क्या कहेंगे, नहीं बाबा, हम आपकी ही सुनते हैं, आपकी ही सुनेंगे, माया की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, कहेंगे या नहीं। तो बाबा मदद देने के लिए हर पल तैयार है, ऐसी आदत डाल दो, क्योंकि आने वाला समय कुछ और होगा, खतरे हो जाएंगे जहाँ तहाँ, फट से बस याद आए बाबा आओ, और आओ कहने का भी मौका ना हो बाबा। कभी ऐसा भी होता है ये कहने का मौका नहीं होता, मेरे सामने आया पीछे, धरती हिलने लगी तेज आबू में, और मैं बैठा था, पता नहीं सवेरे का 4 बजे का टाइम था या शाम का, और मैंने अपने को भी देखा, तेज हिली, उसमें कोई डाउट नहीं था क्या हो रहा हो, साफ दिखता था धरती हिल रही है, और बुद्धि ऊपर गई, बाबा भी नहीं कहा, बुद्धि ऊपर चली गई। तो ऐसी अच्छी आदत डाल लें बाबा, और बाबा की उपस्थिति हो जाएगी, ये विश्वास कर लें सभी, इतना प्यार है उसका हमसे, बस संकल्प किया और आ गया, तो क्या करेंगे भाई, बोलो अब पीछे वाले, मदद लेंगे। भाई हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, बाबा हमारा साथी है, कंबाइंड है, आज बाबा ने कहा, जिन्होंने मुरली सुनी वो उन्हें सुना है, बाबा विदेशियों से बात कर रहे थे, विदेशी कैसे होते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, उदास हो गए, अकेलेपन की फीलिंग हो गई, घर छोड़ के गए सागर के किनारे, घर छोड़ के गए दूसरा देश घूमने, अकेले उदास घूम रहे हैं, बाबा ने कहा अकेले नहीं मैं साथ हूँ, यही तो भूल जाते हो, तो उदास हो के अकेले घूमते रहते हो, मैं कंबाइंड हूँ तुमसे, ये याद रखो। तो भगवान स्वयं मदद दे रहा है,
हर जगह उसकी मदद ले लो।